हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम क्लास टेंथ की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट वन करेंगे। इसमें दो पार्ट है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो आज जो हम पहले पार्ट वन करेंगे, उसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके पास ड्रेस नहीं होती, सिर्फ एक ब्लू फेडेड ड्रेस होती है जिसको पहन के वो स्कूल में जाती थी, और उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, और वो बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। तो इसीलिए चैप्टर का नाम क्या रखा है, द 100 ड्रेसेस पार्ट वन। नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। फर्स्ट लाइन इज टुडे मंडे वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट बट नोबडी Not even Peggy and Mary, the girls who started all the fun, noticed her absence. तो आज के दिन जो वांडा पेट्रोंस्की थी वो अपनी सीट पे नहीं थी, सीट मतलब अपनी क्लास की सीट पर नहीं थी, और कोई भी, यहाँ तक कि उसी की क्लास की दो लड़कियाँ और थी जिसका नाम पैगी और मैडी था, वो दोनों जो कि उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, वो भी आज नोटिस नहीं कर रही थी कि वांडा पेट्रोंस्की आज स्कूल क्यों नहीं आई। Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room number 13. हमेशा जो Wanda Petronsky है वो room number 13 यानी कमरा number 13 में उसकी अंतिम line में, अंतिम bench में वो बैठती थी, यानी last seat में बैठती थी Wanda. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said and most mud and dirt on the floor. तो वो उस कमरे में के उस कोने में बैठती थी वांडा जहाँ पे बॉयज़ बैठते थे, मगर वो बॉयज़ बैठते थे जिनके नंबर नहीं आते थे, यानी नंबर अच्छे नहीं आते थे, और वो जो कमरा था रूम नंबर 13 जहाँ पे वांडा बैठती थी वो कोना आज खाली था क्योंकि आज वांडा स्कूल नहीं आई थी। जहाँ पे उस कमरे में, उस कोने में पैरों की आवाज़ आती थी, और जब वो पैरों की आवाज़ आती थी तो सारे बच्चे क्या करते थे, हंसते थे। क्यों? क्योंकि फर्श पर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता था। क्यों? क्योंकि वांडा पेट्रोंस्की के शूज़ में बहुत ज़्यादा डर्ट रहता था, और वो उस कोने में और क्लासरूम नंबर 13 में पूरा कीचड़ फैला देती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल एंड नोबडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड। समटाइम शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू क्रूक सॉर्ट ऑफ स्माइल दैट वॉज ऑल। वांडा वहाँ बाकी सीट में यानी आगे की सीट में इसलिए भी नहीं बैठती थी कि उसको लगता था कि वो असभ्य है, इसलिए नहीं बैठती थी, और हालांकि वो असभ्य नहीं थी, ना ही वो कोई शोर करती थी, इसके विपरीत वो क्या थी, बहुत ज़्यादा शांत रहती थी, और उसने मुश्किल से ही कभी किसी को कुछ बुरा कहा हो फिर भी वो लास्ट सीट में बैठती थी। कौन? वांडा। कभी कभार क्या होता था, कोई उससे कोई बात भी करता था तो वो अपना मुंह मोड़कर अजीब सा मुस्कुराती भी थी। कौन? वांडा पेट्रोंस्की। नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सैट इन द सीट अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन हाइट एंड हर फीट वर यूजली किक्ड विद ड्राई मड बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोंस्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। कोई ठीक से नहीं ये जान पा रहा था कि वांडा उस जगह आज क्यों नहीं बैठी, यानी वांडा आज क्यों एब्सेंट है, बस इसलिए क्योंकि वो बॉगिन हाइट में रहती थी, यानी वो बॉगिन हाइट से आती थी, और उसके पैरों में हमेशा क्या रहता था, सूखा कीचड़ रहता था। हाँ, फिर भी वांडा पेट्रोंस्की कमरे के एक कोने में ही बैठती थी, फिर भी उसके बारे में आज कोई नहीं सोच रहा था कि वो क्लासरूम में क्यों नहीं आई। The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noon time, when they were coming back to school, or in the morning, early before school began, when group of two or three or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. वो वांडा, उसके जो स्कूल के क्लासमेट्स थे वो वांडा के बारे में तभी सोचते थे जब वांडा स्कूल से घर जा रही होती थी, यानी दोपहर के टाइम, या फिर वो घर से स्कूल जा रही होती थी मॉर्निंग के टाइम, तब उसके वो
क्लासमेट्स, चाहे वो दो रहते थे या कभी तीन भी रहते थे या कभी बहुत ज़्यादा होते थे, और एक ग्रुप बना लेते थे और उस ग्रुप बना के वो हंसते थे और वांडा का वेट करते थे, उसकी प्रतीक्षा करते थे कि वो आएगी तो वो उसका क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। देन सम टाइम दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, यानी वो सिर्फ वहाँ पे वांडा का वेट इसीलिए करते थे कि उसके साथ मजाक करें। द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन। अगले दिन मंगलवार का दिन था, वांडा स्कूल नहीं आती, यानी ट्यूसडे के दिन भी वो स्कूल नहीं आती और कोई भी उसकी एब्सेंस पर ध्यान ही नहीं देता कि वो आखिर स्कूल क्यों नहीं आई है। बट ऑन वेडनेसडे पेगी एंड मैरी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट देयर। अगले दिन जब वेडनेसडे आता है तो वेडनेसडे के दिन पैगी और मैरी, जो कि दोनों की दोनों फ्रेंड्स थी, वो उस सीट में बैठती थी जहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे थे जहाँ पे बच्चों के मार्क्स अच्छे आते थे, तो और वहाँ पे वो जो बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स आते थे उनके पैरों में कीचड़ भी नहीं रहता था, यानी उनके शूज़ों में कीचड़ भी नहीं रहता था कि वो स्कूल के अंदर ला रहे हो या क्लास के अंदर ला रहे हो, तो वो ऐसी सीट पर बैठते थे। तो उन्होंने नोटिस किया कि आज क्या नोटिस किया, उन्होंने देखा कि वांडा वहाँ पे नहीं है। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, शी वॉज अ प्रिटी, शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। तो जो पेगी थी वो पेगी स्कूल में बहुत पॉपुलर लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी देखने में, उसके पास बहुत सारी प्रिटी प्रिटी ड्रेसेस थे पहनने के लिए और उसके बाल क्या थे, कर्ली थे। मैरी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैरी पेगी की क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैरी नोटिस वांडा एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल दे हैड वेटेड। तो उस दिन वेडनेसडे के दिन मैगी और पैगी एंड मैरी ने ये नोटिस किया कि वांडा एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में जो पैगी और जो मैरी थे वो दोनों के दोनों सुबह किसका वेट कर रहे थे, वांडा का वेट कर रहे थे कि वो वांडा आएगी और वो उसका मजाक उड़ाएंगी। तो इसलिए उनको आज याद रहा कि वांडा तो स्कूल आई नहीं और वो बहुत ज़्यादा उसका वेट करते करते स्कूल के लिए लेट हो गए थे, तो इसलिए उन्हें याद रहा कि वांडा स्कूल नहीं आई। एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर एंड शी हैड जस्ट हैडंट कम। दे ओफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की टू हैव फन विद हर, तो वो आई ही नहीं, तो उन्हें मज़ा नहीं आया, तो इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा की उसकी, बट वो नहीं आई, तो इसलिए उनको पता चला कि वांडा एब्सेंट है। वो वांडा पेट्रॉन्स्की की हमेशा क्या करते थे, वेट करते थे, क्यों, क्योंकि वो उसके साथ मजाक कर सके। नेक्स्ट लाइन, वांडा पेट्रॉन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 didn't have name like that. They had names easy to say like Thomas, Smith or Ellen. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that she was a funny but not funny in the same way that Petronsky was. तो जो Wanda Petronsky थी वो room number 13 में, अधिकतर बच्चों के नाम वहाँ पर ऐसे ही थे, उनके नाम पुकारने में आसान थे, यानी अधिकतर बच्चों के नाम बहुत आसानी से पुकारे जा सकते थे, जैसे थॉमस, स्मिथ, एलन, ये सारे के सारे नाम क्या थे, इजी थे। उसमें से एक ऐसा लड़का था जिसका नाम विली बाउंस था, यानी बाउंस था, तो वो भी थोड़ा उनको अटपटा लगता था, मगर इतना अटपटा नहीं लगता था जितना वांडा का नाम था, क्योंकि वांडा पेट्रॉन्स्की उनको बहुत ही अटपटा नाम लगता था, एक मजाकिया नाम लगता था, किनको, उन सारे बच्चों को। Wanda didn't have any friends. She came to school alone and then went home alone. She always wore a faded blue dress. The didn't hang right. It was a clean, but it looked like as thought have never been ironed properly. She didn't have any friends. तो जो Wanda थी, Wanda के कोई भी दोस्त नहीं थे, वो स्कूल अकेले आती थी और स्कूल अकेले जाती थी, बट ये था कि मॉर्निंग के टाइम में, इवनिंग के टाइम में उसके साथ जो लड़कियां रहती थी वो इसलिए रहती थी, क्यों, क्योंकि वो वांडा का मजाक उड़ा सके। वांडा सिर्फ एक ही ड्रेस पहनती थी जो कि फेडेड थी, फेड थी, ब्लू कलर की थी,
हाँ बस ये था कि वो ड्रेस साफ़ सुथरी रहती थी बट उसमें आयरन नहीं रहता था, साफ लग रहा होता था कि वो पुरानी ड्रेस है। शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स, और उसके कोई भी दोस्त नहीं थी किसके, वांडा के। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर समटाइम, दे सराउंडेड हर इन स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉन हर ग्राउंड। बट जो वांडा पेट्रोन्स की थी तो पैगी बहुत ही विनम्रता से उससे क्या करती थी, बात करती थी। यानी बहुत सारी लड़कियां उससे क्या करती थी, बातें करती थी वांडा से। कई बार वो स्कूल के जो प्लेग्राउंड रहता था वहाँ पे वो उससे बात करते थे, किससे, वांडा पेट्रोन्स की को। वहाँ पे बच्चे खेलते थे तो वो उसके पास आ जाते थे, किसके पास, वांडा पेट्रोन्स की के पास, और उसको देखते थे। Wanda Peggy would say in a most courteous manner as thought she were talking to a Miss Mason. Wanda, she did it as say giving one of her friends a news. Tell us how many dresses did you say had a hanging up your closet? तो Wanda थी बहुत बहुत एक गरीब लड़की थी Wanda Patrons की। तो जो Peggy थी वो बहुत ही प्यार से वांडा से बात करती है। कैसे बात करती है, जैसे मिस मैसन, मिस मैसन कौन थी, उनकी स्कूल की टीचर थी, वैसे बात करती थी वो, कौन, पैगी। हालांकि वो उसको चिढ़ाती थी, टीज करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी पैगी, बट उसके बात करने का तरीका बहुत ही विनम्र होता था, जैसे कि उसकी टीचर मिस मैसन बात कर रही होती थी। वो हल्के से अपने किसी फ्रेंड को उसके आगे धकेलती है, किसी कोई फ्रेंड को वांडा के आगे धकेलती है और बताती है, हमें बताओ, हमने ये सुना है कि तुम्हारे पास अलमारी में बहुत सारी पोशाकें हैं। तो वांडा कहती है हाँ, तो वो बोलती है कितनी, 100, वांडा वुड से 100 एक्सप्लेन्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडिबली एट द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन। तो जैसे ही सारी लड़कियां सुनती है और वो खेल रही होती है, स्टापू का खेल होता है वो, तो वो सभी के सब आश्चर्य में पड़ जाती है कि अरे वांडा के पास 100 ड्रेसेस है, ये 100 ऑल लाइन अप, सेड वांडा, देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन अ साइलेंस। तो वांडा अपने पतले पतले होंठों से कहती है कि हाँ 100 ड्रेसेस है मेरे पास, और सबकी सब एक लाइन पे लगी हुई है, और फिर वो अपने होंठों को साइलेंस कर देती है, पतले से होंठों को। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. तो पैगी बोलती है उसको, मुझे लगता है सारी की सारी ड्रेस ना तुम्हारे पास सिल्क की होगी। या ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, वेलवेट टू। तो वांडा बोलती है कि हाँ सारी की सारी सिल्क हैं और कुछ वेलवेट यानी मखमली भी है मेरे पास ड्रेसेस। या वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीटली स्टॉलिडली ऑल लाइंड इन माय क्लोजेस। तो वो कहती है कि हाँ सारे की सारी 100 ड्रेसेस हैं और सब की सब लाइन में लगी हुई है। अब देन दे हैड लेट हर गो एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू अ श्रिक एंड पीस ऑफ अ लाफ्टर। तो जैसे ही जो वांडा है वो वहाँ से जाती है तो सारी की सारी लड़कियाँ क्या होती है, कुछ दूरी चलती है और बहुत ज़्यादा चीखने लग जाती है, हंसने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से, और अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही होती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वांडा तो सिर्फ एक ही ड्रेस पहनती है जो कि ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस है, जो कि आयरन प्रॉपरली नहीं हुआ होता है उसमें। बट वांडा तो बोल रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है और सबकी सब लाइन से लगी है, सबके सब से सिल्क की है, वेलवेट की भी है, तो इसलिए वो लड़कियाँ हंस रही होती है। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज अ ब्लू वन शी वोर वेरी वाई शी डिडंट से हैड 100, व्हाट अ स्ट्रो। तो अब क्या होता है कि जब वो ये बोल रही होती है कि सारी की सारी मेरे पास जो ड्रेसेस है वो सारी की सारी 100 है ड्रेसेस है मेरे पास, वांडा जब ये बोल रही होती है, और बल्कि वांडा क्या करती थी, वांडा सिर्फ एक ही ड्रेस पहनती थी जो कि ब्लू कलर का होता था और फेडेड होता था, तो वो ये ऐसी कहानी क्यों बना रही है, कौन बोलते हैं, स्टोरी में बोला जाता है कि ऐसी कहानी क्यों बना रही है, यानी ये पैगी बोलती है। अब क्या होता है, हाउ मेनी शूज़ डिड यू से हैड, तो नेक्स्ट टाइम फिर वो उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं। तो वांडा बोलती है 60 पेयर्स ऑल लाइन अप इन माय क्लोजेस। तो बोलती है मेरे पास 60 पेयर्स हैं यानी 60 जोड़े जूते हैं। क्राइज ऑफ एग्जैक्टेड पोलाइटनेस ग्रेटेड दिस ऑल लाइक।
तो सब कहते हैं 60 जोड़े सबके सब क्या बोलते हैं अतिशोक्ति से भर जाते हैं और चीखे उनके मुंह से निकल जाती है कि क्या तुम्हारे पास 60 पेयर शूज़ हैं। तो वो बोलती है हाँ। तो वो कहती है ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट ऑल कलर्स और। तो वो कहती है कि सारे के सारे कैसे कलर के। तो वो कहती है सारे के सारे अलग अलग हैं और सब हर रंग के हैं और लाइन से लगे हुए हैं। तो ये सारे की सारी बातें उसकी वो सारी लड़कियां सुनती है जो उसका मजाक उड़ाती है। पैगी पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम हैड मैरी हर इनसेरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। फाइनली वांडा वुड मूव टू अप टू द स्ट्रीट हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज hitching her left shoulders every now and then in a funny way she had a finishing the walk to school alone. पैगी जिसने ये खेल रचा था, क्या खेल रचा था कि वो हमेशा वांडा को पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, तुम्हारे पास कितने शूज़ है, तुम्हारे पास कितने क्या है। तो वो जो ये उसने जो खेल रचा था तो मैडी को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता था कि पैगी उससे ये क्वेश्चन पूछती है और सबका सब उसे वांडा का मजाक उड़ाते हैं। बट अब क्या होता है कि जब ये सारी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ा रही होती है तो वांडा आगे की जो गली आती है उस गली की ओर चली जाती है। जब वो वांडा उस गली की ओर चली जाती है तो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा उदास से भरी हुई होती है, उसका जो मुंह होता है वो मुंह उसने बंद कर लिया होता है और वो अपने दाएं कंधे को उठाती है और झटकती है और कहाँ चली जाती है, अकेले आगे की तरफ चली जाती है। कौन? वांडा। नेक्स्ट अब क्या होता है, पैगी पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। जो पैगी है जो वांडा का मजाक उड़ाती है वो असल में कोई निर्दयी नहीं थी, बस उसका ये था कि वो अच्छी लड़की थी पैगी, बट थोड़ा ये था कि वो वांडा का मजाक उड़ा रही थी। यहाँ तक कि जो पैगी थी, जो बच्चे दबंग टाइप के होते हैं वो उनको, जो बच्चे दबंग टाइप के होते हैं वो दूसरे बच्चे को अगर बुली करते हैं तो वो उनको बचाती भी थी। और एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। अगर वो ये देखती थी कि कोई किसी पशु से दुर्व्यवहार कर रहा है तो वो घंटों तक उस इंसान पे चिल्ला सकती थी। इफ एनीबडी हैज सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूल वे टू ट्रीट वांडा शी वुड हैव बीन सरप्राइज्ड। क्रूल अगर कोई उससे ये कहता था कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम वांडा के साथ ऐसे निर्दयता का व्यवहार कर रहे हो, तो वो बहुत हैरान हो जाती थी। कौन? पैगी, कि निर्दयता का कैसे व्यवहार कर रही हूँ मैं, तो खाली उसके से पूछती हूँ कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है। व्हाई डिड द गर्ल शी से हैड 100 ड्रेसेस, मतलब सिर्फ मैं इतना पूछती हूँ कि कितनी ड्रेसेस है और वो फिर ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 पोशाकें यानी 100 ड्रेसेस है। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई, ये तो सबको ही पता है कि वो क्या कह रही है, झूठ कह रही है। वाई डिड शी वॉन्ट अ लाई एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एज वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट एनी वे दे नेवर मेड फ्रॉ क्राई। तो वो सिर्फ यही बोलती है कि मैं तो खाली उससे पूछती हूँ कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, तो वो आखिर में झूठ क्यों बोलती है और झूठ क्यों बोलना चाह रही है वो। मुझे पता है कि वो एक ऑर्डिनरी से साधारण सी व्यक्ति है, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रही है। उसका नाम भी कुछ अटपटा सा है, कुछ भी हो हमने उसको कभी नहीं रुलाया है। ये बात कौन बोलती है? पैगी बोलती है। एज फॉर मैरी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस हाउ मैनी हैट्स, तो ये रोज का काम हो गया था कि वो वांडा को हमेशा पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, तुम्हारे पास कितनी हैट्स है, तुम्हारे पास कितने क्या है, ऐसे ही। एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड बिन बॉदरिंग हर, यानी कभी ये पूछती थी कि ये कितने ये हैं कितने वो हैं, सिर्फ उसको बॉदरिंग ही करती रहती थी। कौन? वांडा पेट्रॉन्स्की को करती थी। कौन? पैगी। शी यूजली वोर समबडी हैंड मी डाउन क्लोज, थैंक गॉडनेस शी डिडंट लीव अ बॉगिन हाइट और हैव अ फनी नेम। अब जो मैडी है वो मैडी ये सोच रही होती है कि वो भी तो एक पुअर गर्ल है, यानी वो भी एक गरीब लड़की है, जो पैगी की फ्रेंड थी मैडी, वो भी एक गरीब लड़की है, वो दूसरों के पुराने कपड़े पहनती है, बट उसको ईश्वर का ये शुक्रिया वो अदा करती है कि वो बॉगिन हाइट नहीं रहती और ना ही उसका मजाक वाला नाम है जैसे वांडा का नाम है। कौन सोच रही होती है? मैडी सोच रही होती है।
नेक्स्ट क्या होता है, सम टाइम व्हेन पेगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चन इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैरी फेल एम्बैरस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड रोलिंग द अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। जब पैगी वांडा से क्वेश्चन पूछ रही होती थी कि तुम्हारे पास कितने क्या है कितने क्या है, तो मैरी को बहुत एम्बैरेंस फील होता था, उसके हाथ में मार्बल्स होते थे तो वो उनको घुमाने लग जाती थी, क्योंकि उसको क्या होता था, अफसोस होता था कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है, किसके लिए, वांडा के लिए। नेक्स्ट क्या होता है, नो दैट शी फील सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैड इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन हर ऑन नेक्स्ट, she wasn't as poor as Wanda perhaps, but she was a poor, of course she would have more sense than they say, she had 100 dresses, still she would not give for them to begin or her, she wished Peggy would stop teasing and Wanda Petronsky। तो मैरी ये सोच रही होती है कि काश जो पैगी है वो उसका मजाक उड़ाना बंद कर दे, उसके साथ ये खेल ना खेले, किसके साथ, Wanda के साथ, कि तुम्हारे पास क्या क्या कितने कितने हैं, बट वो ऐसा वांडा को बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही थी। फिर वो ये भी सोचती है कि जो वांडा गरीब है और उसके पास कपड़े नहीं हैं, फिर भी वो 100 ड्रेसेस बोलती है, तो ऐसा वो झूठ भी क्यों बोलती है, है कौन सोचती है, मैरी सोचती है। नेक्स्ट अब क्या होता है, टुडे Even though they had been late to school, Mary was glad she had not had to make fun of Wanda. She worked her arithmetic problem absentmindedly 8 times 8. Let's see, she wished she had nerve to write Peggy a note, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey, Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." When she finished her arithmetic, she did had a start note to Peggy. Ab उस दिन क्या होता है, पैगी और मैरी दोनों जो वांडा का वेट कर रहे होते हैं, तो वांडा नहीं आती है उस दिन मॉर्निंग को, तो मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो कहती है अरे जब वांडा आई नहीं तो अब उसका मजाक भी नहीं उड़ेगा आज के दिन। तो वो क्लास में जाती है और अपनी अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, 8 + 8 कितना होता है, 8 बार को 8 लिखे, यानी ये होता है क्वेश्चन, तो वो उसको कर रही होती है और वो सोचती है कि मैं एक ऐसा नोट लिखूंगी और उसमें लिखूंगी कि हे पैगी, मैंने बोलने का मेरे पास साहस नहीं है, तो मैं लिखूंगी एक नोट और पैगी के लिए लिखूंगी और पैगी को ये लिखूंगी कि प्लीज़ तुम वांडा से ये पूछना छोड़ दो कि तुम्हारे पास क्या कितने हैं क्या कितने हैं। वैन फिर वो अपना जो वर्क था मैथमेटिक्स का उसको फिनिश कर लेती है, काम खत्म कर दिए। सडनली शी पॉज एंड शडर, शी पिक्चर हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन मैरी, वुड हैव टू से इट वॉज ऑन पैगी ओल्ड वंस दैट मैरी मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद। अब सडनली क्या होता है कि जैसे ही मैरी अपना काम कर लेती है अर्थमेटिक का, मैथमेटिक्स का, तो वो ये देखती है एकदम से पॉज हो जाती है, कौन, मैरी, अचानक वो रुक जाती है और कांप जाती है, शटर मीन्स कांप जाती है, और वो ये देखती है कि वो स्कूल के ग्राउंड में है और स्कूल के ग्राउंड में बहुत सारी लड़कियां हैं और बहुत सारी लड़कियों में जो पैगी है, वो पैगी उससे क्वेश्चन पूछती है, मैरी से क्वेश्चन पूछती है कि मैरी जो तुमने ये ड्रेस पहनी है वो कहाँ से आई है। अब मैरी क्या बोले कि ये जो ड्रेस है वो तुम्हारी ही मदर ने मेरी मदर को दी है, बट ये है कि मेरी मदर ने थोड़ा उसको क्या कर दिया, नया सजावट कर दिया, मतलब कुछ एम्ब्रॉयडरी कर ली है, तो वो थोड़ी नई सी लग रही है। तो वो ये सडनली वो ये सोचने लग जाती है। अब क्या होता है, न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज हिम। अब कोई भी ये नहीं जानता था कमरा नंबर यानी रूम नंबर 13 में कि जो मैरी है वो पैगी की ही ड्रेस पहनती है, तो वो ये सब सोच रही होती है, If only Peggy would decide it of her own accord to stop having fun with Wanda, oh well, Mary ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thought away. What difference did it make? Slowly Mary tore into the bits the note she had started. She was a Peggy best friend and Peggy was the best liked girl in a whole room. Peggy could not possibly do anything that was a really wrong, she thought. So,
अब क्या होता है, जो मैडी ये सारा का सारा सोच रही होती है कि अब उसका मजाक उड़ाया जाएगा, सब उसको टारगेट करेंगे, वांडा को मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। तो जैसे ही उसने ये सोचा तो मैडी ने क्या किया, मैडी के सुनहरे से बाल थे वो उसने उस पर हाथ फेराया और उसको झटका, और उसके पास जो पेपर था, जो नोट था जो कि उसने पैगी के लिए लिखा था, उसके टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद उसने सोचा कि नहीं, वो पैगी को ये कुछ नहीं बोलेगी। क्यों, वैसे भी तो पैगी बहुत अच्छी लड़की है, पैगी को रूम नंबर 13 में सब पसंद करते हैं, पैगी ऐसा काम कर ही नहीं सकती कि वो गलत हो। कौन सोचती है, मैडी सोचती है। मतलब एक तरफ से मैडी ये भी सोच रही होती है कि पैगी को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, उसको टीज़ नहीं करना चाहिए वांडा को, और दूसरी तरफ से वो ये भी सोचती है कि नहीं, पैगी इतनी बुरी नहीं है, क्यों उसको रूम नंबर 13 में सब पसंद करते हैं, वो पॉपुलर गर्ल है स्कूल की, और वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती कि जो गलत हो। एज़ फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड ऑन बोगेनहाइड एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। शी स्कार्सली ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. Mary remembered her telling about one of her dresses, pale blue and color trimming, as she remembered another that was brilliant jungle with a green with a red sash. You look like a Christmas tree in that, the girls had said in a pretend admiration. Ab kya hota hai? Ab ye hota hai ki jo Wanda hoti hai, वांडा को हमेशा प्रश्न पूछा जाता था, वांडा कहाँ रहती थी, वांडा बॉगिन हाइट्स में रहती थी, वो स्कूल में अकेले आती थी, स्कूल से अकेले जाती थी, उसने शायद ही कभी किसी का दिल दुखाया हो, शायद ही वो कभी उसने किसी से बात की हो। किसने, वांडा ने, सिर्फ बात उसने तभी की जब उससे कोई लड़की पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसें हैं, तब वो बताती थी। मैडी को ये याद आ रहा है कि वो अपनी नीली पोशाक यानी जो ब्लू कलर की जो ड्रेस थी उसके बारे में बताती थी। अब मैडी को ये याद आ रहा है कि वो उसकी ब्लू ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, और उसको ये भी याद आ रहा है कि वांडा कैसे बोलती थी कि उसके पास एक जंगल सी हरी रंग की ड्रेस है जिसपे लाल स्कार्फ लगा हुआ है, तो लड़कियाँ बोलती हैं कि अरे अरे हाँ क्रिसमस वाली ड्रेस थी, तो वो कहती थी हाँ, तो लड़कियाँ उसकी झूठी प्रशंसा कर रही होती थी उस टाइम किसकी, वांडा की। जब वांडा बोलती है कि उसके पास हरी कलर की ड्रेस है जिसपे लाल स्कार्फ लगा हुआ है, तो लड़कियाँ बोलती थी हाँ हाँ वो तो क्रिसमस ट्री की तरह लगती है, तो वांडा बोल देती कि हाँ वो क्रिसमस ट्री की तरह लगती है। ये सारी की सारी बातें कौन सोच रही होती है, मैडी सोच रही होती है। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेस, मैरी बिगेन टू वांडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड द कलरिंग कॉन्टेस्ट फॉर गर्ल्स। दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ अ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटरबोट्स। Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least that what everybody thought. She could a copy a picture in a magazine or some film star had so that you could almost tell who it was. Oh, Mary was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. They had no. अब क्या होता है? अब वो ये सोच रहे होते हैं कि क्या होता है कि जो उनके स्कूल में एक कॉन्टेस्ट होता है, कॉन्टेस्ट किस चीज़ का होता है, कलरिंग का यानी चित्रकला का कॉन्टेस्ट होता है, प्रतियोगिता होती है, तो सबकी सब लड़कियों को डिज़ाइन बनाने के लिए टीचर कहती है, लड़कियों को डिज़ाइन बनाने के लिए कहती है, और लड़कों को क्या कहती है, वो मोटर बोट बनाएंगे यानी डिज़ाइन में उस प्रतियोगिता में, तो उनको क्या मिलेगा, कुछ पदक मिलेगा यानी प्राइज़ मिलेगा। तो लड़कियां एक एक डिज़ाइन बना के दे देती है, बट जो वांडा होती है वो होंडा 100 ड्रेसेस यानी 100 डिज़ाइन बना के देती है, और लड़के क्या देते हैं, मोटर बोट दे देते हैं। बट पैगी को ये लग रहा होता है कि जो वहाँ जो जीतेगा उस ड्राइंग कॉन्टेस्ट में वो सिर्फ एक ही जीत सकता है, और वो कौन जीत सकता है, पैगी जीत सकती है। क्यों, पैगी अगर मैगज़ीन उसके सामने रख दी जाए तो वो मैगज़ीन में जो पिक्चर्स होते हैं वो उनकी बिल्कुल हूबहू नकल कर लेती थी, यहाँ तक कि वो फिल्म स्टार का सिर भी बना देती थी, आप उसे पहचान भी जाओगे अगर वो फिल्म स्टार का सर यानी फेस बनाती है। तो पैडी को विश्वास था कि पैगी ही जीतेगी, मगर अब उनको ये था कि अनाउंसमेंट कब होगा, अनाउंसमेंट कल के दिन होगा यानी घोषणा कल होगी, तो कल पता चल जाएगा कि पैगी ही जीती है। द नेक्स्ट डे
It was drizzling. Mary and Peggy hurried to school under a Peggy umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't have wait for a wanda. तो अगले दिन थोड़ी बूंदाबांदी हो रही होती है. पैगी और मैगी जल्दी जल्दी पैगी के छाते के नीचे स्कूल जा रहे होते हैं. अब क्या होता है, वांडा पेंट्रॉन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक एंड अप द हिल लेट्स टू बॉगिन हाइट एनी वे दे वॉन्ट टेकिंग चांसेस ऑन बींग लेट टूडे बिकॉज टूडे वॉज इम्पॉर्टेंट. तो जब वो फटाफट बारिश के दिन फटाफट अपने स्कूल जा रहे होते हैं क्योंकि उस दिन अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट में जीता है, तो वहाँ पे एक रेल रोड होती है तो जहाँ से कौन आती थी बॉगिन हाइट से वांडा आती है. वो उस दिन वांडा का बिल्कुल वेट नहीं करते. क्यों? क्योंकि उनको आज देरी हो रही है. क्यों? उनको आज कहाँ जाना है, स्कूल फटाफट जाना है क्योंकि आज के दिन अनाउंसमेंट होने वाला है. अब नेक्स्ट क्या होता है, Do you think Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy. Oh, I hope so. The minute we get in, said Mary. Of course, you will win the pack. Hope so, said Peggy eagerly. तो अगले दिन क्या होता है, Miss Mason announce करने वाली होती है कि winners कौन है उस drawing contest का. तो Peggy पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा, winner कौन होगा. तो मैरी बोलती है कि ऑफ कोर्स कोई संदेह नहीं है, तुम ही जीतोगी. द मिनट दे हैंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्स दे वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेज एंड विंडो सेल डैजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लैविश डिजाइन ऑल ड्रॉन ऑन अ ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर दे मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑन लाइन अप दे मस्ट बी हाउ अ ड्राइंग ऑफ द कॉन्टेस्ट दे वर एवरी डे स्टॉप एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायर. वो क्लास में एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद ही पैगी और मैडी का दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है. वो देखते हैं सारी जगह, खिड़की पर, वॉल पर, सारे ही जगह पे क्या थे, डिज़ाइन ही डिज़ाइन बन रखे थे और बहुत डिज़ाइन एक लाइन से कतार पर लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर थे. सारे के सारे लोग, सारे के सारे बच्चे क्या कर रहे थे, सीटियाँ बजा रहे थे और उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि अरे वाह कितनी अच्छा ड्राइंग बनाया है. एज सून As the class had assembled, Miss Mason announced the winner. Jack Bagels had won. The boys she had his design for an outboard motor was an exhibition in room number 12 along the sketches of all the other boys. तो मिस मैसन बताती है कि लड़कों में से किसने जीता है विनर का प्राइस. जैक बैगल्स ने जीता है और उसके सारे के सारे डिज़ाइन जो उसने बनाए थे, कौन से डिज़ाइन, मोटर बोर्ड के डिज़ाइन, रूम नंबर 12 में प्रदर्शनी के लिए लगे हुए हैं सारे स्केचेस. एज फॉर द गर्ल शी हैड ऑल दो जस्ट वन और टू स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट वन गर्ल एंड रूम नंबर 13 शुड बी अ प्राउड ऑफ हर दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू ऑन 100 डिज़ाइन. तब फिर मिस मैसन उनकी टीचर बताती है कि अब क्या है. मिस मैसन बोलती है कि जो लड़कियों ने जो डिज़ाइन बनाए थे, उनको जो डिज़ाइन बनाने के लिए दिया था, उसमें से कुछ लड़कियों ने दो डिज़ाइन बनाए, यानी दो स्केचेस बनाए, किसी ने तीन स्केचेस बनाए, किसी ने एक स्केचेस भी बनाया, मगर एक लड़की ऐसी थी जिसने 100 स्केचेस बनाए जो कि रूम नंबर 30 पे लगे हुए हैं. अब क्या होता है, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस Any one of the drawing is worthy of winning of the prize. I am very happy to say that the Wanda Pentronsky is the winner of the gold medal. तो वो कहती है कि जजेस थे, जजेस ने उसका नाम लिया है और वो बहुत ही एक पुरस्कार योग्य है. आज वो क्लास में एबसेंट है, वो नहीं आई है, तो मैं ये सोचूंगी कि वो कल आएगी, अपना हमसे जो मैंने प्रशंसा करूंगी वो सुनेगी और हमसे प्राइज लेगी. और वो लड़की कौन है, वांडा पेट्रॉन्स की है. अब जैसे ही सबके सब उसका नाम सुनते, कौन थी, वांडा पेट्रॉन्स की. अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फ्रॉम सम डेज एंड देयर इज नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज ड्यू टू हर. लेट अस होप शी विल बैक टुमारो. नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्विकली एंड लुक एट द एग्जिबिट ड्राइंग. तो वो मिस मैसन कहती है कि हम आशा करते हैं कि वो कल वापस आएगी. और अब पूरी कक्षा कमरे में लगी हुई जितनी भी सुंदर डिज़ाइन है उसको शांति से देखे. द चिल्ड्रन burst into applause एंड इवन द boys were glad टू हैव अ चांस टू stamp ऑन द फ्लोर पुट their फिंगर्स इन their माउथ एंड whistle, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेसेस. बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से ताली बजाई, प्रशंसा की, यहाँ तक कि लड़कों को
फर्श में थपथपाकर खुश होने का भी अवसर मिला। फर्श में मैं यानी उन्हें थपथपाया भी, मुंह में उन्होंने उंगलियां डाली और उंगलियां डाल के क्या करी, सीटी बजाई। क्यों? उस पोशाक को देखकर, उस 100 ड्रेसेस को देखकर। लुक बैक विस्पर्ड मैरी, देयर हैज अ ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट ब्यूटीफुल, यस सेड पेगी, एंड हियर्स दैट ग्रीन वन बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। तो वो कहती है, देखो पैगी, मैडी ने फुसफुसाकर बोला, मतलब धीरे से बोला पैगी को, ये वो नीली सी ड्रेसेस है जिसके बारे में उसने हमें बताया था, यानी वांडा को, क्या वो सुंदर नहीं है? तो पैगी बोलती है, अरे हाँ, और वो हरे वाली ड्रेसेस देखो, मैंने सोचा था कि मैं चित्रकारी यानी मैं डिज़ाइन कर सकती हूँ, बट वांडा ने क्या कर दिया, बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाई। किसने बोला? पैगी ने बोला। तो ये था अभी हाफ चैप्टर ऑफ द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो थैंकिंग यू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच ए लेसन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल पूनम असवाल क्लासेस। थैंक यू।